में जहां पर किसान नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है। बैठक में किसान नेता भी शामिल रहे। कृषि कानूनों और आंदोलनकारी किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। दिल्ली विधानसभा के अंदर ये मीटिंग हुई जिसमें आप राकेश टिकैत इससे किनारा करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों और आंदोलनकारी किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात की। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, समर्थन में, चाहे वो पानी का टैंक पहुंचाना हो, खाने पीने के सामान पहुंचाने हो, रहने के लिए तमाम व्यवस्थाएं करवानी हो जो कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों तक पहुंचाई गई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं से मुलाकात करके आगे भी सपोर्ट की बात कही है। सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक वो एक भी फायदा जनता को बताने में नाकाम रहे हैं। उल्टे किसानों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सबका ठीक है, तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसान नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं के साथ, वेस्टर्न यूपी के किसान नेताओं के साथ मीटिंग करी है और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज जो मीटिंग हुई है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, उसमें क्या क्या हल निकला और क्या क्या बातें हुई? हल निकलने का तो आपका पता चलेगा। जो बात हमारी केजरीवाल के साथ में, पहली बात तो यह है कि हमने केजरीवाल जी को धन्यवाद दिया। जो 28 तारीख में केजरीवाल ने किसानों के साथ काम किया, पानी का, बिजली का, उनके खाने पीने का, उसका धन्यवाद हम देने के लिए आए थे। जो बात हमने बताई, केजरीवाल ने उन पर पूरा पूरा विश्वास दिलाया कि ये काम होने चाहिए। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार को ये हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी इन किसानों की सुनकर इन किसानों की बात का समाधान करना चाहिए। जब तक समाधान मोदी जी नहीं करेंगे, जो किसान डटा रहेगा, घर वापिस नहीं जाएगा। सर, जो 28 तारीख को जो महापंचायत बुलाई है आम आदमी पार्टी में, उसमें कितना समर्थन रहे और उसका कितना साथ देंगे? किसान पंचायत बोल दो जी आप। जी, किसान पंचायत। अगर सुनो, केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वे किसानों की सभा में जा रहे, किसान बनकर जा रहे, तो उसमें तो किसान का सहयोग पूरा रहेगा। जो किसान बनकर किसान के साथ चलेगा, उसके साथ किसान कंधा कंधा मिलाकर चलेगा और बहुत ज्यादा तादाद में इस बात का सहयोग करेंगे। कोई ऐसी बात दिक्कत आवनी। जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो काफी सारे किसान ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनमें से काफी किसान नेता हैं, उनका कहना यह है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी से, वो बहुत लेट आए इस पूरे मामले में, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से पंजाब में हो, हरियाणा में हो, प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे और अब जब जाके इस पूरे मामले में घुस रहे हैं, तो शायद ये सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, सुनो, राजनीतिक नहीं, बात ऐसी है, सरकार की इंतजार करे करे और शासन के करे, पानी पर गायर फिर गई, सिर पानी का प्रकोप बह गया, तो ये भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के दुख दर्द को समझे, मौजूदा सरकार समझ नहीं रही, तो उस वजह से इन्होंने किसान बनकर राजनीति वालों को आने का मौका किसने दिया? हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उन्हें मौका दिया। अगर केंद्र सरकार किसानों के आते हिसार धरना प्रदर्शन होने के बाद में तुरंत ही 2-4 दिन के बाद में इसमें कानून को वापस ले लेती, तो विपक्ष को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। विपक्ष को मौका जो दिया वो केंद्र सरकार ने दिया। तो सर, अब आगे की, अब अगर किसानों की तरफ से रणनीति बताएं तो क्या, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से अब 70-80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, केंद्र तो मान नहीं रहा है। अरे, केंद्र मानते नहीं, हम भी नहीं मानते, भाई जी वो नहीं मानता, भाई हम उसकी नहीं मानते। अगली रणनीति यह है, अगर हमारे जो नेता हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं किसान नेता, उन्होंने घोषणा कर रखी है, अगर 2 अक्टूबर का सामान लेकर हम यहाँ बैठे हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो 2 अक्टूबर को यही गांधी जी की जयंती यही मनाई जाएगी। भाई, प्रधानमंत्री ने कौन सा हमारी डोल काट ली, हमारी लड़ाई है, हम तो फिर भी प्रधानमंत्री जी गए लोलेंगे, हमारे को जोन से हमारे बिल थोपे ना, वो आपसी ले लो ना अपनों को, हमारी लड़ाई थोड़ा प्रधानमंत्री जी का निकला जी, बात ही करनी छोड़ दी, उन्होंने तो बात करनी छोड़ दी, और काम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, सहयोग कौन करेगा, वो आपसी ले लो, मुझे कानून नहीं चाहते भाई, जो हमारे हमारे दुख में जो जितना सहयोग करेगा, जितना हमें हम डोक के देगा, उतने हम चून लड़ाऊंगे। राजा देश का है, उसकी प्रजा है, जी प्रजा ही दुखी रहेगी तो राजा भी तो दुखी होगा, राजा को दुखी होगा तो राजा को प्रजा की सुनेगा, और जब तक प्रजा की नहीं सुनेगा तो राजा तो कहला नहीं जाएगा। रामचंद्र जी की बात आई,
रामचंद्र जी का हमारे राम का मकान बना लग रहा, मंदिर बना लग रहा, हमारे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उस पर बहुत जोर दे रही भाई। हमारे राम का, हमारे पुरुषोत्तम राम का जो कहना था और जो करना था, उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार काम करे। वे जनता की सुनते थे, जनता के दुख में दुखी रहते थे, उन्होंने अपने जनता की दुख देख करके, जनता की बात को सुन करके अपनी पत्नी भी त्याग दी थी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी यहाँ पे किसान नेता अपने तरफ से पहुंचे हैं, उनका कहना यही कि वो समर्थन जरूर करते हैं, वो धन्यवाद देने आए हैं, और आगे जो पंचायतें होंगी उसमें ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ओपोजिशन पार्टीज का इनको समर्थन मिलता रहे। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। किसान नेता राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर कोल्हू लगाया, वो खुद गन्ने का जूस निकालते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल से जो किसान नेताओं ने मीटिंग की, उससे भी राकेश टिकैत ने किनारा किया है। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोल्हू चलाया है और खुद जो गन्ने का जूस है वो निकाला है। मैं एक बार पीछे अंकित को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि देखिए कोल्हू को ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कोल्हू का किसानों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि 32 साल पहले यही कोल्हू जो है, जो ट्रैक्टर से इस समय चलाया जा रहा है, इसी कोल्हू को लाल किले पर स्थापित किया गया था। राकेश टिकैत जी खुद इस कोल्हू को यहाँ पर ऑपरेट करवा रहे हैं, और ये कोल्हू किसानों के लिए काफी महत्व रखता है। सीधे राकेश टिकैत जी से भी पूछेंगे कि कितना महत्व ये रखता है और क्या कुछ आज चल रहा है इस कोल्हू के बारे में, आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितना महत्व है। 32 साल पहले बाबा टिकैत ने रखा था ये लाल किले पर। ये 1995 में, 1995 को 26 साल हो गए साथ उसको, 1995 को 26 साल हो गए इसको, और 26 साल पहले ये लाल किले पर चला है। वहाँ कोई आंदोलन था उसके बारे में? आंदोलन 95 के आसपास वो आंदोलन था, तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, तो वो आंदोलन सफल हुआ था, ये आंदोलन भी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। सफल होगा आंदोलन, कोई फेल थोड़ा होता है, ये तो वैचारिक वो है और पूर्ण रूप से होगा, एक दिन सरकार इसको जरूर इसको मान ले। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये वाला कोल्हू है, थोड़ा इसके नहीं, ये तो मीठा है, स्वीट है पूरा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता देश में, तो हम तो रस पिला है। तो ऑपरेट आप ऑपरेट भी ऑपरेटिंग करना पड़े ना, ये तीन लगा देंगे तो इस पर लोड पड़ेगा। अच्छा, केजरीवाल साहब ने बुलाया आज कुछ नेताओं को, क्या जानकारी है आपके पास, कोई जानकारी आई है? मेरे नॉलेज में नहीं है। तीन मत लगावे आप नहीं जा रहे? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, जो जाना होगा मैं, अगर कोई आया होगा क्या उनको करना है वो चला जाएगा। कौन नेता जा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, मेरी जानकारी। अच्छा, प्रियंका गांधी जिस तरह से महापंचायतें कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी यूपी में महापंचायत की तैयारी कर रही है, क्या कहना है आपका? हाँ, कर रही होगी, करना चाहिए सबको। आज का आपका क्या शेड्यूल है, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो आज यही रहेंगे, मैं काम कर लूँ। और बात कैसे बन रही है? तो देखिए, फिलहाल राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल वो कोल्हू को लेकर जो काम है वो करना चाहते हैं, कोल्हू का महत्व उन्होंने बताया, और आप यहाँ उन्हें देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं वो किस तरह से उत्साहित हैं इस कोल्हू के यहाँ पहुँचने के बाद। हालांकि इस बीच, क्योंकि कई जो सियासत पूरे मामले पर लगातार हो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ किसान नेताओं को विधानसभा में लंच पर भी बुलाया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, कौन लोग जा रहे हैं ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर रोजाना गाजीपुर बॉर्डर पर बदलती हुई, और एक यहाँ पर कोल्हू की तस्वीर आज आपके सामने है जो किसानों के लिए काफी महत्व रखता है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राकेश टिकैत शुरू से कहते रहे राजनीतिक दलों को अपना फायदा नहीं तलाशने देंगे, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का किनारा किया और कह दिया एक बार फिर से, जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक बॉर्डर्स खाली नहीं करेंगे। एक ब्रेक।